आज अंतर्राष्ट्रीय डॉग डे है, ऐसे में हम बात कर रहे हैं बालोद जिला के एक गांव में स्थित ऐतिहासिक कुकुरदेव मंदिर, जहां स्थापित भगवान शिव जी की मूर्ति के पास स्वामी भक्त कुत्ते की प्रतिमा, जो कि लोगों के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। वास्तव में ये एक स्मृति स्मारक है जो कि भगवान शिव जी को समर्पित है। क्षेत्र सहित दूर दूर से लोग यहाँ श्रद्धा पूर्वक आते हैं। माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई मुरादें पूरी होती हैं। लोगों की अटूट आस्था स्थल के प्रति बनी हुई है। नवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों के द्वारा मनोकामना ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए जाते हैं। कुकुरदेव के भी प्रतिमा यहाँ स्थापित है और लोग यहाँ ना वफादारी के ज्योत भी जलाते हैं यहाँ नवरात्रि में, और दूर दूर से श्रद्धालु मन आते हैं यहाँ। वास्तव में एक स्मृति स्मारक है और दफन स्थल है वास्तव में। बालोद जिला मुख्यालय से महज 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम खपरी, जहाँ कुकुरदेव मंदिर है, और इसी मंदिर की वजह से ये गांव आज समूचे राज्य में प्रसिद्ध है। इस ऐतिहासिक व पुरातत्वी मंदिर का निर्माण फणी नागवंशीय शासकों द्वारा 14वीं और 15वीं शताब्दी के मध्य कराया गया है। गर्भगृह में जलधारी योनि पीठ पर शिवलिंग प्रतिष्ठापित है। ठीक उसी के पास स्वामी भक्त कुत्ते की प्रतिमा भी स्थापित है। प्राचीन पुरातत्व के मंदिर है कुकुरदेव, और मान्यता यहाँ सबसे ज़्यादा ये है कि इस मंदिर में कोई भी श्रद्धालुगण आते हैं, उसका जो भी मान्यता, जो भी अपन मन्नत मांगते हैं वो पूरा हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ से जैसे किसी को कुत्ता काट दिया गया या किसी को कुकुर खांसी बोला जाता है अपन छत्तीसगढ़ी में, और जो अपन उसमें अगर यहाँ से मिट्टी ले जाने के बाद उसका यानी इलाज हो जाता। लोगों की अटूट आस्था स्थल के प्रति है। इस मंदिर के निर्माण को लेकर एक रोचक किदवंती प्रचलित है। बताया जाता है कि बहुत पहले एक बंजारा कर्ज ना छुटा पाने की स्थिति में साहूकार को अपना पालतू कुत्ता दे दिया था, और साहूकार के यहाँ जब चोरी हुई तो उसने कुत्ते की चालाकी से चोरी हुए सभी जेवरात व सामान साहूकार को वापस मिल गए थे। साहूकार बेहद खुश हुआ और उसने कुत्ते को उसके मालिक के पास वापस भेज दिया। इस दौरान उसके स्वामी भक्त होने का एक पर्ची उसके गले में लगा दिया। बंजारे के पास कुत्ता जैसा ही पहुंचा तो बंजारा अपने कुत्ते के प्रति सख्त नाराज हुआ। बिना सोचे समझे उसने कुत्ते को मार दिया। उसे लगा कि मैं कुत्ते को साहूकार के पास छोड़कर आया हूं और ये वापस आ गया, लेकिन जब पर्ची पढ़ा तो वो पश्चाताप करने लगा। बंजारा के द्वारा अपने कुत्ते को इसी स्थल में दफन किया और स्वामी भक्त कुत्ते की स्मृति में ये दफन स्थल बनाया गया। यहाँ पर फणी नागवंशी शासकों द्वारा 14वीं 15वीं शताब्दी के मध्य इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। तब से आज तक इस मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था बनी हुई है। लोगों का ऐसा मानना है कि जो भक्त यहाँ आकर सच्चे मन से मन्नतें मांगते हैं उनकी मुरादें जरूर पूरी होती हैं। लोगों की माने तो कुकुर खांसी या कुत्ते के काटने से लोग यहाँ की मिट्टी भी उपयोग करते हैं। ये एक पुराना ऐतिहासिक मंदिर है जो कुकुरदेव के नाम से प्रसिद्ध है, और ये कुकुरदेव के नाम से ही प्रसिद्ध है, साथ साथ यहाँ पे बहुत सारी ही देवी देवताओं की मूर्तियाँ स्थापित है, और यहाँ पे एक शिव भक्त जो भी आते हैं सबकी मनोकामना पूर्ण होती है। कुकुरदेव मंदिर के नाम से यहाँ पे सभी लोग आते हैं, जो भी यहाँ पे मन्नतें मांगते हैं सबकी मन्नतें पूरी होती है। और यहाँ पे जब से ये मंदिर बना हुआ है सबसे ज़्यादा यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, सभी अपने मन्नतें लेके आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी होती है। नवरात्रि के दौरान लोग यहाँ मनोकामना ज्योति कलश प्रज्वलित करते हैं। लोग इस ज्योति कलश को वफादारी का ज्योत भी मानते हैं। ये बहुत पुराना मंदिर है शिव जी के साथ साथ स्वामी भक्त कुकुरदेव भी है प्रतिस्थापित है यहाँ। जो भी यहाँ आते ओकर मनोकामना पूर्ण होते। माँ शिवरात्रि के दौरान यहाँ विशेष पूजा अर्चना भी की जाती है। आज ये मंदिर न सिर्फ क्षेत्र में बल्कि दूर दराज क्षेत्रों में भी प्रसिद्ध है। बहुत पुरातात्विक मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर है। यहाँ भोलेनाथ के मंदिर है और यहाँ ना भक्त कुत्ते की भी मंदिर है। यहाँ बहुत से भक्तालु भी आते हैं। यहाँ की बहुत मान्यता है, जो भी मांगते हैं वो पूरा होता है। कहते हैं मन में सच्ची आस्था व सच्ची श्रद्धा हो तो पत्थरों में भी भगवान नजर आते हैं। शायद यही वजह है कि लोग पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मनोकामना को लेकर यहाँ आते हैं और उनकी मनोकामना यहाँ पूरी हो जाती है।